सब्सक्राइब कीजिए मोइन मरीनर को और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन मेरे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। मैं हूँ सैयद मोइन और आप देख रहे हैं मोइन मरीनर। आज ये काम करता हूँ मैं अपने गैली के टूर पे चलता हूँ। गैली हम लोग उसे किसी बोलते हैं, वहाँ पे खाना बनता है तो सिर्फ में उसे गैली बोलते हैं। वहाँ पे चलते हैं, उसका एक टूर बनाते हैं, देखते हैं कि घर में जैसे खाना बनता है वैसे ही यहाँ बनाते हैं या कुछ और तरीका और नए नए इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। देखिए सिंपल सा फंडा है, जहाज में तो गैस से खाना नहीं बनता, जैसे बनता है ये इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करके बनता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर कैसा होता है, जैसा अपने घर में होता है वैसा है या फिर कुछ और अलग तरह का है? मैं एक गैली का टूर बनाता हूँ, सारा इक्विपमेंट आपको दिखाऊंगा, आप देखते रहिए। और एक बात बता दूँ, यहाँ पे जो भी ऑफिसर या क्रू जो भी है ना, सारे इंडियन है, तो इस वजह से खाने पीने का कोई इशू नहीं है, इंडियन खाना ही मिलता है। चीफ कुक है यानी कि सेफ, वो भी इंडियन बंदा है, बिल्कुल सही बंदा है, हरियाणा का है। और उसके खाने के चक्कर में मैं आज तक पतला नहीं हो पाया, ना ही डाइटिंग चालू किया ना ही जिम चालू किया। बिना वक्त कमाए सीधा लेके चलता हूँ गैली, उसका टूर बनाता हूँ। देखिए अगर से आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना। ये अपना गैली है, इंडिया में इसे किचन बोलते हैं। इंडिया में क्या, घर में इसे किचन बोलते हैं जो खाना बनाते हैं। हिंदी में क्या होता है यार किचन को? रसोई घर। रसोई घर यानी कि बावर्ची खाना वही है। ये अपने चिपकू का क्या है, अपरोन से बोलते हैं अपरोन। अच्छा वैसे ये बक्से में क्या है, मैं तो यहीं पर बैठ के लास्ट कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिया था यहीं बैठे बैठे। दाल बाल है, दाल वाल। ओके दाल राइस ऐसा है। और ये ब्लू वाले डब्बे में आटा, आटा तो खत्म हो गया, मैदा ही है अभी वो पैकेट वाला है। ये अभी तो अपने प्रोविजन स्टोर से आ गया, कैबेज अवेज कल सुबह के लिए है, कल डे टाइम का है। फ्रेंच फ्राई जो कि फ्राई नहीं हुआ अब तक, अंडा, कुछ ब्रेड पड़े हुए हैं और ये रैप करने का प्लास्टिक है। ये क्या है? इधर आ जाइए, आपका वॉइस नहीं आएगा, पास में आ जाइए। ये है क्या, राइस? राइस कुकर है क्या? हाँ। अच्छा राइस कुकर है, इसमें राइस बनाते हैं उसमें बनाते हैं दूसरे वाले बनाते हैं, फिलिपिनो लोग इसमें बनाते हैं। तो ये तो अपना, ये सर अपना ये फ्राई करते हैं जब चिकन फ्राई, रोस्टेड चिकन वगैरह बनाने के लिए ना। हाँ जरा खोलिए देखें। इसके अंदर ऐसे है तंदूरी, तंदूरी यहीं पे बनाए थे, ग्रिल आइटम सब, ग्रिल आइटम सब यहीं पे बनता है और ऐसा कुछ नहीं। अच्छा बंद हो गया। आप खाना किससे बनाते हैं, गैस से, हीटर से, चूल्हे से, किस से? ये है, ये है। इसका नाम क्या है? हॉट प्लेट। हॉट प्लेट। अच्छा इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट। इसे ऑन करने से कितना टाइम लगता है ये गर्म होने में? इसे एक बार स्विच ऑन करने बाद कितना टाइम लगता है ये गर्म होने में? हॉट प्लेट 15 से 20 मिनट गर्म होता है, उसके बाद खाना बना सकते हैं। तब तक वेट करना पड़ेगा, ये दो लोहे का प्लेट है, इतना मोटा है, कम से कम 15 से 20 mm हाइट होगा। इलेक्ट्रिक कॉयल है इसके नीचे, एक बार गर्म हो जाए तो ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा तो लगता ही होगा। ठंडा करना ज़्यादा। और यहाँ पे बताओ तुम साफ करने के लिए है मसाला, नमक, पता नहीं कुछ मसाला है, मसाले का इतना नॉलेज नहीं मुझे, तो यहाँ पे रहता है। और ये भी यहाँ पे चिकन विकन, चिकन मच्छी अच्छी सब धोने के लिए। और चीज़ दिखाया था, यहाँ पे हॉट वाटर भी है और फ्रेश वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, ये ड्रिंकिंग वाटर है वो मिनरलाइजर प्लांट के थ्रू से आता है, मिनरल वाटर ही है अभी कल के लिए है। आलू 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 टमाटर ये सब है। और ये क्या है, गर्म पानी का क्या है? गर्म अभी यूज़ करते हैं इसे? नहीं यूज़ करते। यहाँ पे रैक है कुछ कुछ रखा है, उसके ऊपर ग्लोव्स पड़ा हुआ है। और गैली का ए सी, हाँ यहाँ पे किचन में ए सी रहता है जहाज में, जो घर में तो किसी के होते नहीं होता, घर में नॉर्मल नहीं होता, ये यहाँ पे ए सी है। और
यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, अगर फायर वायर हो जाता तो सीधा खोल देंगे मारने का। पीला कलर का पिन निकालो, इसे हैंडल प्रेस करो, इसे जहाँ भी फायर है उसी की तरफ पॉइंट करो, खत्म। CO2 5 kg वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 इसको कार्बन डाइऑक्साइड, ये अपना ही सिग्नेचर है सर। इंस्पेक्शन करो, प्लास्टिक अलग रखूँगा। हाँ, यहाँ पे डस्टबिन बहुत सारा रखा जाता है, डोमेस्टिक वेस्ट का अलग है, प्लास्टिक अलग है, फूड वेस्ट अलग है। फूड वेस्ट दरिया में डाल सकते हैं, बाकी कोई सी में दरिया में फेंक नहीं सकते। और जो यूज़ किया ऑयल है फ्राइड आइटम के बाद जो ऑयल बनता है, एक्स्ट्रा ऑयल सब इसमें डाल देते हैं। ये भी वापस इंजन में लेके जलाना पड़ता है इसे, ये ऑयल रीयूज़ नहीं करते हम लोग। कुकिंग ऑयल, ये अपना फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, यहाँ मसाला वसाला रखने के लिए। फिलहाल तो इसमें क्या क्या है, थाउजेंड आइलैंड सलाद ड्रेसिंग का है, सिर्फ कुकिंग के लिए। और ये स्लाइसेस है कुछ, इसमें मिल्क है और कॉकटेल है, जूस वगैरह है, डब्बा खाली है, इसमें कुछ ये सब भी कुछ है, आइसक्रीम जैसे पड़ा हुआ है, स्ट्रॉबेरी, गार्लिक, ये क्या है, पनीर है क्या, पनीर क्या है, ये चीज़ है क्या, अच्छा चीज़ है, पत्थर बन गया, ये खाली है, इसमें क्या है, ये अच्छा तो सैंडविच क्या है, ये पीस है, ग्रीन पीस, ये पालक है, ये सब कुछ फ्रोजन है। जहाज़ में तो फ्रेश ज़्यादा दिन रुकता नहीं है, तो 10-15 दिन फ्रेश रहता है, उसके बाद सब फ्रोजन आइटम ही चलाना पड़ता है। इसमें भी कुछ दही है शायद, और ये है घी, देसी घी, दही, ये राइस कुकर, इसमें राइस बनाते हैं, कैसे बनाते हैं मुझे पता नहीं, बस बनाते हैं। हाँ, राइस कुकर का भी वीडियो है, नेक्स्ट उसे डाल देंगे। ये मिक्सी है, और ये आटा गूंदने का मशीन है, तो आटा बनाने के टाइम पे वो आटा जब बनाते हो तब मैं एक रिकॉर्ड करके छोटा सा क्लिप डालूंगा। आटा डाल के बंद कर दो, पानी डालो, ऑन कर दो, ठीक है, चलो। हेड वॉश है और ऐसा भी वॉश मशीन है, यहाँ भी सब अलार्म पैनल वगैरह लगा हुआ है, कोई इमरजेंसी में यहाँ पे अलार्म बजेगा तो लोगों को भी भागना पड़ेगा। यहाँ पे एक फर्स्ट एड बॉक्स है, अच्छा एक फायर ब्लैंकेट होता है वो, अच्छा फायर ब्लैंकेट उधर ब्लैंकेट है, कुछ फ्राई करते वक्त अच्छे कढ़ाई में लग गया, सीधा इसे इधर से खींच के निकाल के वो ब्लैंकेट को उसके ऊपर कवर कर देना, ब्लैंकेट कवर करने से ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगा तो फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा, फायर बंद हो जाएगा। ये नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे कुछ कुछ लिखने के लिए है, बट फॉर द टाइम यहाँ पे कैलेंडर ही है। ये ऐसा घड़ी है जो ऊपर से ही टाइम एडजस्ट करती है, इससे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ऊपर एडजस्ट कर देंगे तो सब टाइम एडजस्ट हो जाएगा। सबका नंबर लिखा है, ये टेलीफोन डायल करने का। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गैली टूर, चलिए मिलते हैं फिर। वेलकम। अच्छा एक बात बताओ, जब पोर्ट पहुँचने वाले रहते हैं उसका कुछ स्पेशल तैयारी करना पड़ता है गैली डिपार्टमेंट की तरफ से? हाँ, उसके लिए ज़्यादा क्लीनिंग रखना पड़ता है, सब देखना पड़ता है कि कोई एक्सपायर आइटम्स है या नहीं है। अच्छा, अगर एक्सपायर आइटम्स है तो फिर हमको निकाल के साइड में रखना पड़ता है, या तो फिर वो एक्सपायर होने के पहले ही कंज्यूम करो, फिर पूरा मैसरो सब गैली फिल्टर विल्टर सब क्लीन करके रखना पड़ता है। फुट सेट वगैरह जब आते हैं वो क्या चेक करने हैं? सब चेक करते हो लोग। अच्छा, एक एक वो लोग मॉस्किटोज़ या कोई फ्लाइज उस सब के लिए चेक करते हैं, सो एज पर हाइजीन हम लोग को सब क्लीन रखना पड़ता है। यहाँ पे तो कोई फ्लाइज या मच्छर मक्खी और क्या कॉकरोच सब मुझे तो आज तक दिखे नहीं, दिखे कभी? हाँ, कभी कभी आ जाते हैं कोई, अगर समझो अभी जैसे हम लोग फुट वेस्ट है पानी में फेंक नहीं सकते तो उसके वजह से फ्लाइज पैदा होती है, फिर वो फ्लाइज पूरे अकोमोडेशन में आ जाते हैं। अच्छा, तो उसके लिए हाइजीन मेंटेन करना, हाइजीन मेंटेन करना।
चलो थैंक्स थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।